मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, क्या कुछ कह रहे हैं सुनिए। में बुरी तरह परास्त समाजवादी पार्टी ने कुछ व्यवधान डालने का प्रयास किया था, क्योंकि से मालूम है कि अगर हमारे पंचायत प्रतिनिधि जागरूक हो जाएं तो फिर न केवल भ्रष्टाचार बल्कि गुंडागर्दी भी पूरी तरह समाप्त हो सकता है। और इस दिश से उन्होंने इस कार्यक्रम को न होने देने के लिए पूरी एड़ी चोटी एक लगाई थी, लेकिन मैं धन्यवाद दूंगा प्रदेश अध्यक्ष जी को कि उन्होंने मेरी अनुपस्थिति में इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने का कार्य किया। और मैं आभारी हूं भारत निर्वाचन आयोग का, जिन्होंने हर प्रकार की आपत्ति को दरकिनार करते इसमें होने के लिए मुझे अनुमति दी और आज मैं आप सबसे संवाद बना रहा हूं। मुझे बहुत प्रसन्नता है कि यहां पर हम लोग लगभग 20,000 तो प्रत्यक्ष रूप से यहाँ पर वर्चुअली जुड़ रहे हैं और हर एक जगह पर 5 से लेकर के 50 तक सदस्य एक साथ बैठ करके हमारे साथ इस कार्यक्रम के साथ जुड़ रहे हैं। एक बड़ी संख्या प्रदेश के अंदर क्षेत्र पंचायत और जिला पंचायत के सभी सदस्यों की एक संवाद के कार्यक्रम से हमारे साथ जुड़ रही है। कुछ चीज़ें हैं कि आप सामान्य तौर पर विकास की कुछ आधारों पर कार्य करते हैं। क्षेत्र पंचायत स्तर पर हमारे क्षेत्र पंचायत के सदस्य और क्षेत्र पंचायत के प्रमुख कार्य कर रहे हैं, जनपद स्तर पर जिला पंचायत के सदस्य और जिला पंचायत के अध्यक्ष वहां पर विकास की इस मुख्य धारा को आगे बढ़ाने का कार्य, आदरणीय प्रधानमंत्री जी की मंशा के अनुरूप विकास के कार्यक्रमों को द्रुत गति से आगे बढ़ाने का कार्य कर रहे हैं। लेकिन आपके प्रतिनिधि भी देखिए ये व्यवस्था कैसे आगे बढ़ाने का कार्य हुआ कि आपका एक मुखर स्वर विधानसभा में भी गूंजता दिखाई दे, विधान परिषद में गूंजता हुआ दिखाई दे, प्रदेश की उच्च सदन में गूंजता हुआ दिखाई दे। इसके लिए 36 ऐसे सदस्य पूरे प्रदेश के अंदर चुने जाते हैं और प्रदेश के अंदर चुने जाने वाले इन 36 सदस्यों में से आज मुझे बताते हुए प्रसन्नता है, मैं धन्यवाद दूंगा उन सभी क्षेत्रों के मतदाताओं को जिन्होंने हमारे 36 में से 9 यानी 25% सदस्य निर्विरोध चुनकर के पहले भेज दिए हैं। 9 निर्विरोध चुनकर के चले गए हैं, जो निर्विरोध चुने गए हैं मैं वहां के सभी मतदाताओं को और निर्वाचित जो हमारे सदस्य हैं उनको मैं हृदय से अभिनंदन करता हूं, उनका धन्यवाद भी ज्ञापित करता हूं। बाकी जो 27 सीटों पर चुनाव हो रहे हैं, 27 सीटों के चुनाव के लिए आज आपसे संवाद बनाने का एक अवसर मुझे हमारे दोनों उप मुख्यमंत्री और प्रदेश अध्यक्ष जी को प्राप्त हो रहा है। मैंने आप सबसे मेरा यही अनुरोध है, आप में से बहुत सारे लोग होंगे जो पहली बार क्षेत्र पंचायत और जिला पंचायत के साथ जुड़े होंगे, कुछ ऐसे भी होंगे जिन्होंने एक लंबे समय तक इस व्यवस्था के साथ जुड़ करके समाज सेवा के कार्यक्रम को आगे बढ़ाया होगा, लेकिन पहली बार आपको ये देखने को मिला होगा कि बिना भेदभाव के बिना किसी हस्तक्षेप के आपके कार्यक्रमों को आगे बढ़ाने में सरकार ने मदद की, कोई भेदभाव आपके साथ नहीं किया, किसी भी प्रकार का कोई भी प्रताड़ना आपकी नहीं की, कोई शोषण नहीं होने दिया और एक व्यवस्था बनाने का काम किया। बल्कि सरकार ने, हमारी सरकार ने पहले कार्यकाल में क्षेत्र पंचायत में, ग्राम पंचायत में, जिला पंचायत में कुछ मूलभूत सुधारों को आगे बढ़ाते हुए ये ध्यान दिया कि कैसे हम अपने सदस्यों के सम्मान की रक्षा करते हुए उनके कार्यों को और भी तेजी के साथ आगे बढ़ाने का कार्य कर सकते हैं। और खास तौर पर अगर इस मामले में हम देखते हैं तो पहली बार क्षेत्र पंचायत सभी सदस्यों को एक निश्चित बैठक भत्ता देने की कार्रवाई प्रारंभ हुई, क्षेत्र पंचायत प्रमुख को एक निश्चित मानदेय देने की कार्रवाई प्रारंभ हुई, जिला पंचायत के सदस्यों के लिए भी और जिला पंचायत के अध्यक्ष के लिए भी यह व्यवस्था बनाई गई। और यही नहीं, जनता के द्वारा चुने गए इन जनप्रतिनिधियों को सुरक्षा बीमा का कवर देने का काम भी पहली बार हुआ है। सरकार ने इस मंशा को बहुत स्पष्ट किया है कि क्षेत्र पंचायत को हम लोग मनरेगा से अधिक उनके साथ हम उनके उनको कार्यों का उन कार्यों के साथ जोड़ सकें, इसका अधिकार भी हम उनको देने की कार्रवाई आगे बढ़ चुकी है। और इसीलिए
जो सरकार आपके माध्यम से विकास को प्राथमिक रूप से आगे बढ़ा करके विकास की जो महत्वपूर्ण धुरी होती है ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत, जिला पंचायत, यहां से चुने गए जनप्रतिनिधियों को सम्मानजनक ढंग से आगे बढ़ने के लिए प्रेरित कर रही हो, प्रोत्साहित कर रही हो, उनके साथ मिलकर के कार्यक्रम को आगे बढ़ा रही हो, मुझे लगता है उससे जुड़े हुए जनप्रतिनिधि जब आगे बढ़ेंगे तो न केवल विकास होगा बल्कि उस विकास का श्रेय आपको भी मिलता हुआ दिखाई देगा। और इसीलिए मैं आप सबसे मेरा अनुरोध होगा, भारतीय जनता पार्टी ने इन सभी 27 सीटों पर स्वयं अपने प्रत्याशी खड़े किए हैं और भारतीय जनता पार्टी के सभी प्रत्याशी जो शेष 27 सीटों पर जिनके बारे में अभी प्रदेश अध्यक्ष जी ने अभी आपके सामने कहा है, वे सभी प्रत्याशी आपके बीच में, वे सभी पूरे प्रदेश के अंदर अपनी अपनी सीटों पर प्रचार कार्य कर रहे हैं। मेरा आप सबसे अनुरोध होगा कि देखिए, प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी नेतृत्व की एक लोकप्रिय सरकार का गठन हो चुका है, प्रदेश की जनता ने, जिसमें आप सभी भी उसमें एक मतदाता थे, भारतीय जनता पार्टी को अपना आशीर्वाद दिया और 25 मार्च को आदरणीय प्रधानमंत्री जी के सानिध्य में उत्तर प्रदेश में एक लोकप्रिय सरकार का गठन हो चुका है। सरकार ने अपना कार्य भी प्रारंभ कर दिया है। हमारी सबसे पहली परीक्षा होगी जब आप सभी मतदाता जो क्षेत्र पंचायत, जिला पंचायत और ग्राम प्रधान, माननीय विधायक, माननीय सांसद, ये सभी लोग मिलकर के अपने अपने स्थानीय निकाय के प्रतिनिधि के रूप में विधान परिषद के लिए सदस्य का चुनाव करेंगे। और मेरा आप सबसे अनुरोध है, 9 सीटों पर पहले ही भारतीय जनता पार्टी विजय प्राप्त कर चुकी है, यानी 36 में से 9 सीटों पर निर्विरोध 1/4 सीट पर हमारे सदस्य पहले ही विधान परिषद के लिए उनका चयन हो चुका है। शेष 27 सीटों पर भी जो चुनाव चल रहे हैं बिना किसी भेदभाव के, मुझे लगता है जब सरकार कोई भेदभाव नहीं कर रही है, न जाति, न मत, न क्षेत्र, न भाषा, न किसी भी प्रकार से कोई भेद नहीं, सबका साथ, सबके विकास के इस भाव को आगे बढ़ाने का कार्य कर रही है, तो उसी भाव के साथ मेरी आप सबसे विनम्र अपील होगी कि भारतीय जनता पार्टी के अधिकृत प्रत्याशियों को हम भारी बहुमत से अपने अपने क्षेत्रों से विजयी बनाने में अपना योगदान दें, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी जो जीतेगा, विजयी होगा, तो वह उस क्षेत्र के विकास के लिए पंचायत प्रतिनिधियों के से जुड़ी हुई समस्याओं को सदन में उठाने के साथ साथ उन समस्याओं का समाधान करने और आपके साथ एक बेहतर संवाद का एक माध्यम भी अपने अपने क्षेत्र में बन पाएगा। हमारे पार्षद होंगे, प्रधान होंगे, क्षेत्र पंचायत और जिला पंचायत के सदस्य होंगे, प्रमुख होंगे, जिला पंचायत के अध्यक्ष होंगे, चेयरमैन होंगे, मेयर होंगे, ये सभी के साथ संवाद बनाने का एक बेहतर माध्यम ही बनते हैं और वह आपकी बात को सदन में रखने का एक माध्यम और सरकार तक पहुंचाने का भी एक माध्यम बनेंगे। मुझे लगता है जब सरकार एक जैसी विचारधारा की हो, प्रदेश में हो, केंद्र में है, इसके साथ ही अगर क्षेत्र पंचायत और जिला पंचायत में भी ज्यादातर में भारतीय जनता पार्टी के ही हमारे ब्लॉक प्रमुख और जिला पंचायत के अध्यक्ष बने हैं, तो क्षेत्र पंचायत के सदस्य भी और जिला पंचायत के मान्य सदस्य भी ज्यादातर हमारे साथ में हैं, ग्राम प्रधान भी हमारे साथ में हैं, तो आपके द्वारा चुने गए प्रतिनिधि भी भारतीय जनता पार्टी के पक्ष से विधान परिषद में आए और विधान परिषद में आपके जनपद, आपके क्षेत्र, आपके उस पूरे समग्र विकास के लिए आपका एक प्रतिनिधि बनकर के प्रदेश सरकार के साथ संवाद बनाने के लिए आगे बढ़कर के काम कर सकने में अपना योगदान दे सकें, इसके लिए आप सबका आह्वान करने के लिए ही आज मैं आपके बीच में यहां पर आया हूं। मेरी आप सबसे अपील होगी कि 9 अप्रैल को चुनाव है और 9 अप्रैल को महाअष्टमी की तिथि भी है, तो मुझे लगता है कि उसमें हमारी पहली प्राथमिकता होनी चाहिए देवी मंदिर में हम दर्शन तप करें, पहले अपना मतदान करके फिर माँ देवी भगवत जगदम्बी जगदम्बा माँ भगवती के दर्शन करने के लिए देवी मंदिर में जाकर के फिर वहाँ पर अपना पूजा अर्चना करें। उस दिन प्रदेश में 9 कन्याओं के पूजन का भी एक विशेष कार्यक्रम होता है, तो हम नवमी और अष्टमी के दिन इस कार्यक्रम की रस्म को भी संपन्न करने की कार्रवाई तत्परांत करें, तो मुझे लगता है कि लोकतंत्र के प्रति भी हमारी आस्था को पुष्ट करेगा और साथ साथ हमारी धार्मिक आस्था को भी यह मजबूती प्रदान करने में अपना योगदान देगा। 12 अप्रैल को इसके परिणाम सामने आएंगे और परिणाम में 36 में से 36 सीटें भारतीय जनता पार्टी विजयी होकर के जीते, इस लक्ष्य के साथ हमें आगे बढ़ना होगा।
और इसके लिए आप सबसे अपील करने के लिए ही मैं आज विशेष रूप से वर्चुअली आपके साथ जुड़ रहा हूं। मैं एक बार फिर से आप सभी को प्रदेश में एक लोकप्रिय सरकार के गठन में योगदान करने के लिए हृदय से धन्यवाद देता हूं और आप सबका आह्वान करूंगा कि सरकार को बहुत अच्छे ढंग से चलाने के लिए, देखिए आज के दिन पर उत्तर प्रदेश विधान परिषद में जब हम लोग 2017 में चुने गए थे तो हमारी संख्या मात्र 7-8 की थी, यानी 10 से कम, 100 में से 10 से कम हमारे सदस्य थे और कार्य में कितना व्यवधान पैदा होता था आपने देखा होगा। लेकिन आज विधान परिषद में भारतीय जनता पार्टी बहुमत के साथ में है और अगर ये 36 के 36 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीत जाती है तो भारतीय जनता पार्टी और सहयोगियों की सीट विधान परिषद में 75 से 80 तक पहुंच जाएगी, यानी एक बड़ी संख्या हमारे पास होगी और प्रदेश के विकास के लिए विधानसभा में भी हमारे पास बहुमत और विधान परिषद में भी हमारे पास बहुमत होगा तो कोई कार्य रुकेगा नहीं, लोक कल्याण का और प्रदेश के विकास के सभी कार्य को बहुत अच्छे ढंग से हम आगे बढ़ाने में हमें मदद मिल जाएगी। और इसी के लिए आप सबसे अपील करने के लिए मैं आया हूं कि प्रदेश का विकास जिस तेजी के साथ आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में उनके मार्गदर्शन में आगे बढ़ रहा है इसे हमें अनवरत आगे बढ़ाए रखने में अपना योगदान देना होगा, क्योंकि ये विकास आज के लिए तो यह उज्ज्वल मैं भविष्य ये तो आज की दृष्टि से तो महत्वपूर्ण है ही, लेकिन हमारी वर्तमान और भावी पीढ़ी के उज्ज्वलमय भविष्य के लिए भी यह बहुत महत्वपूर्ण होगा और उसी की नींव रखने के साथ साथ उसको द्रुत गति से आगे बढ़ाने के लिए हम सब प्रदेश की सरकार को भारत सरकार के साथ मिलकर के डबल इंजन की सरकार को तेजी के साथ आगे बढ़ाने का कार्य कर रहे हैं। मैं एक बार फिर से आज जुड़े हुए जितने भी हमारे जिला पंचायत के अध्यक्ष हैं, महापौर हैं, क्षेत्र पंचायत के प्रमुख हैं, हमारे माननीय सांसद हैं, माननीय विधायक, विधान परिषद के सदस्य, जिला पंचायत के सदस्य, क्षेत्र पंचायत के सदस्य और भी अन्य जितने भी गणमान्य मतदाता हैं स्थानीय निकाय के, उन सभी पार्षदों को, उन सभी को मैं हृदय से एक बार फिर से धन्यवाद देता हूं, आपका अभिनंदन करता हूं और विश्वास व्यक्त करता हूं कि आप सभी लोग मिलकर के भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों को विजयी बनाने में अपना योगदान देंगे। आप सबका जुड़ने के लिए हृदय से धन्यवाद देता हूं और विश्वास व्यक्त करता हूं कि भारतीय जनता पार्टी का अधिकृत प्रत्याशी आपके सीट पर भारी बहुमत से विजयी होकर के उस क्षेत्र के विकास के लिए अपना योगदान देगा और सरकार की योजनाओं को आप तक पहुंचाने में आपका सहयोगी बनेगा। आप सभी के प्रति और सभी प्रत्याशियों के प्रति मैं अपनी शुभकामनाएं देता हूं। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन, नेवर मिस एनी अपडेट। डाउनलोड कीजिए जनतंत्र टीवी ऐप को, जो कि अवेलेबल है गूगल प्ले और ऐप स्टोर पर। अधिक जानकारी के लिए अभी डाउनलोड करें।